इस वक्त हम लोग है सिंह साहब मूवी के सेट पे शूट कर रहे हैं और हम लोग सीन कर रहे थे। उसी बीच में मुझे और मतलब राम सती जी को और राम निवास जी को तीर से उठा के लाया गया है। बोला है जो हमारे फिल्म की प्रोड्यूसर है, हमारी दीदी है गीता देवी, आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मैं बताऊँ आप लोग को एक्चुअली वो क्या बात करना चाह रही है, बिकॉज हम लोग तो सरप्राइज है। सीरियसली आइए दीदी, दीदी। आइए और वो सरप्राइज जो आइए। है ये है आइए ये मतलब मुझे लगता है अभी हमारे करियर में मेरे करियर में अब तक मैंने बोल के दिखा दीजिए ये ब्लैक कलर। ओके नहीं आपका नहीं है ना, ब्लैक भैया कैसा है भैया कैसा तो ये iPhone 14 Pro Max फाइनली हमारे पास आया है। और मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे करियर में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारा काम देख के और हमारी चीजें देख के कोई प्रोड्यूसर इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ है गीता दीदी की, हम लोगों को चलते शूट से उठा के लेके आए कि ये आप दोनों के लिए। आइए उदय भैया, आइए आइए उदय जी, आइए आइए उदय जी, आइए ये आप दीजिए, मैं दे दूंगा। आइए वाह, मैं पिछले ही हफ्ते सफा देखा था मेरे पास आईफोन, और ये आज आईफोन मेरे हाथ। तो अगर ऐसा है तो मैंने रेंज रोवर का सफा। और मैं सच बता रहा हूँ दीपा दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीरियसली मतलब मुझे नहीं पता था कि आप बिल्कुल सरप्राइज दे रही, और खास करके अगर हमने हमारा हमारा हमारी एक्टिंग देखने के बाद अगर आपने मुझे दिया तो क्या बोलूंगा। तो एक बेटी ने अपने मम्मी पापा को गिफ्ट दिया। मुझे लगता है कि मैंने एक फिल्म ऐसी कर ली जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो गए। इन्होंने उदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेन लीड कर रहा हूँ, दूसरी बात की फ्रंट पेज पे हमारा मन अगर फोटो छपा, तीसरी बात आईफोन भी आ गया, तो और काम तो शुरुआत है जी सर, काम से अगर मिलता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिनके ऊपर सिनेमा बन रहा है वो अपने आप में इतनी अच्छी कहानी है, और कहानी क्या सच है जिसको हम लोग को प्ले करते हुए अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है और वो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस उम्मीद है कि हमारी टीम जो सिंह साहब की है वो सिंह साहब को आप लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट करें कि आप जब इस फिल्म को देखें तो आपको आर्यन सिंह अंकल की याद आए और आप उनसे रिलेट कर सकें। और मुझे पहले फिल्म लगते हैं जिस तरह से बनते हैं ना, महादेव की नजर मूवी में श्री राम जी होते और शायद इसी रोल को निभाने के लिए मैं लाइन में आया था। और राम निवास जी की पहलो किरदार है बिल्कुल मेरे से बहुत रिलेट करती हूँ। मैं भी बहुत बिना कुछ किए बॉम्बे गया, कुछ किसी को जानता नहीं। ये जो लड़का है ना बहुत फंबल मार रहा है, इतना ज्यादा एक्साइटेड है ना, इतना ज्यादा खुश है, इसकी खुशी को नजर ना लगे। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि हम लोग का काफी लंबा सफर रहा, बट देव इतनी शिद्दत से इस रोल को मतलब शॉट देने के, मुझे लग रहा है वरुण धवन हो गया है एक शॉट देने के बाद और कर लेते ना प्लीज, मुझे लग रहा है कुछ और अच्छा कर लेते ना, मतलब जब तक उसको चार पांच बार कर नहीं ले इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है तब तक बोलता है कुछ 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 तो है। तो इसका मतलब देव का डेडिकेशन जो है इस फिल्म के प्रति बहुत ज्यादा है और यही आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है गीता दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं भले रोल कर रहा हूँ आपके पापा से, लेकिन मुझे आज आपसे आप बड़ी हैं और मेरी भी बहन है, मेरे से बड़ी है आप गीता हो सुनीता है। क्या बात बोली, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बोलूँगा आप लोग खुश हैं मैं खुश हूँ, अरे नहीं खुश हूँ। थैंक यू और थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू उदय जी, हम आपको देंगे नहीं।